नमस्ते कैम शो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडीबी व्लॉग्स। तो आज बहुत दिनों के बाद हम लोग फिर से एक और नया व्हीकल लेके आ चुके हैं। तो इस बार हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो कि पेट्रोल के दाम दिन भर दिन बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इस तरह का कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आप लेते हो तो काफ़ी अच्छा किफ़ायती रहेगा आपको फ्यूचर में भी, तो काफ़ी अच्छा रिलायबल भी रहेगा। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाइट कार्बन कंपनी की O3 मॉडल के बारे में। तो व्हाइट कार्बन में टोटल दो मॉडल अभी फ़िलहाल मार्केट में अवेलेबल है। फिलहाल अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो व्हाइट कार्बन मोटर्स, जो एस्टेब्लिशमेंट पूरा गुजरात में ही है उनका, तो फिलहाल तो अभी गुजरात में अहमदाबाद गांधीनगर में ही शोरूम है उनके, लेकिन बहुत ही जल्दी आप सभी लोगों की सिटी में भी व्हाइट कार्बन के शोरूम जल्दी से ओपन हो जाएंगे। शायद बेंगलोर या कर्नाटक में भी उनका शोरूम अभी फ़िलहाल ओपन हो चुके हैं, तो बहुत सारी जगहों पे अभी उनका प्लानिंग चल रहा है। तो बहुत ही जल्दी इंडिया की बड़ी बड़ी सिटी में भी व्हाइट कार्बन के शोरूम जल्दी से ओपन होने वाले हैं। तो फिलहाल अभी जल्दी से अभी लोग हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे साथ है आकाश भाई, जो शोरूम के सेल्स पर्सन है, जो हमको व्हीकल के बारे में थोड़ा बताएंगे और थोड़ा ब्रीफ करेंगे। बाद में हम लोग इसका टेस्ट राइड भी लेने वाले हैं। तो चलिए आकाश भाई, जल्दी आ जाइए। ये हमारा एक माइक्रो मोबिलिटी व्हीकल है, ये इसका नाम है O3 मॉडल। इसमें आपको 5.7 इंच की LCD डिस्प्ले दिखाई देगी, जो वाटर प्रूफ बेस रहेगी। इसमें आपको जब ऑन करते हो इस हिसाब से डायल आपको दिखेगा। इसमें बैटरी परसेंटेज है, कितनी स्पीड पे जा रही है, और इसमें गियर मोड ऑप्शंस भी है। अगर आप सेकंड पे चलाते हो तो 10 से 11 की स्पीड मिलेगी, सेकंड पे चला तो 20 की स्पीड मिलेगी, और थर्ड पे चला तो आपको टॉप स्पीड मिल जाती है। इसमें आगे जो लाइट दी हुई है वो LED लाइट है, और आगे पीछे दोनों व्हील साइड व्हील बेस आपको ट्यूबलेस टायर मिलेगी, और दो आगे की साइड डिस्क ब्रेक है, और पीछे की साइड अगर आप देखोगे तो ड्रम रहेगा। तो यहाँ पे आगे आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिस्क ब्रेक दे रखा है, तो काफ़ी अच्छी बात है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी अभी डिस्क ब्रेक आपको मिल रहा है। और अगर मैं फ्रंट सस्पेंशन की बात करूँ तो आप देख सकते हो कि टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी यहाँ पे देखने को मिल रही है। साथ में टायर्स के ग्रिप्स वगैरह काफ़ी अच्छा है, ट्यूबलेस टायर कंपनी इसमें ऑफर कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि LED हेडलैम्प आपको मेन देखने को मिलेगा, और साथ में यहाँ पे टर्न इंडिकेशन एक बार आकाश भाई दिखाइए। तो टर्न इंडिकेशन भी आपको इसमें LED देखने को मिलेगा, तो काफ़ी खूबसूरत टर्न इंडिकेशन वगैरह काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे डिस्क ब्रेक कॉइल डिस्क ब्रेक का तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्वालिटी वगैरह लीवर्स वगैरह की काफ़ी अच्छी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अगर मैं हैंडल बार की बात करूँ तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 मोड यहाँ पे दे रखा है। जो फर्स्ट मोड है उसमें आप अगर स्कूटर ड्राइव करोगे तो आपको 10 to 11 का स्पीड मिलेगा। अगर आप सेकंड मोड पे चलाते हो तो आपको 20 तक का स्पीड मिलेगा। अगर आप थर्ड पे चलाते हो, मतलब कि टॉप पे, तो आपको 25 to 30 तक का स्पीड इसमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे और एक देख सकते हो, यहाँ पे हेडलैम्प ऑन ऑफ करने का ऑप्शन दे रखा है। तो इस साइड की अगर मैं बात करूँ लेफ्ट हैंड साइड की, तो आपको यहाँ पे हाई बीम लो बीम करने के लिए टर्न इंडिकेशन का ऑप्शन और साथ में हॉर्न का स्विच भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो हैंडल बार काफ़ी अच्छा वाइड दे रखा है, और यहाँ पे नीचे आते हुए तो यहाँ पे एक हुक दे रखा है, जो आप अपना लगेज वगैरह सामान यहाँ पे लगा सकते हो। और यहाँ पे साथ में आपको एक चार्जिंग पॉट भी अवेलेबल है, तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल वगैरह यहाँ पे चार्ज कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटी यहाँ पे एक छोटे से व्हीकल में दे रखी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप रिमोट की भी साथ में ले सकते हो एक्सेसरी में, ये सब कुछ एक्स्ट्रा है। आपको साथ में ऐसी नॉर्मल की तो ज़रूर मिल जाएगी, साथ में अगर आपको रिमोट की लेनी है तो भी ले सकते हो। लॉक अनलॉक का पूरा फंक्शनिंग यहाँ से आप कर सकते हो। और यहाँ पे चलते हुए तो सीट्स काफ़ी अच्छी है, सिंगल सीट्स में ये आपको व्हीकल अवेलेबल है। ये साथ में आप देख रहे हो जो येल्लो कलर में है, सिंगल सीट में आपको मिलेगा। अगर आपको डबल सीट करवानी है तो उसका चार्ज एक्स्ट्रा है। अगर आपको ये टॉप बॉक्स जैसा बॉक्स डलवाना है तो भी डलवा सकते हो, उसका भी चार्ज आपको एक्स्ट्रा रहेगा। तो यहाँ पे चलते हुए तो यहाँ नीचे बैटरी का चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे दे रखा है। अगर आप ग्राउंड फ्लोर वगैरह पे रहते हो तो यहीं से केबल को मूव करके आप चार्ज कर सकते हो। तो यहाँ पर देखते हुए तो व्हाइट कार्बन कंपनी का ब्रांडिंग देखने को मिलेगा। तो आकाश भाई एक बार सीट खोल के भी दिखा दीजिए।
पे या थर्ड फ्लोर पे अगर रहते हो, अगर आपको बैटरी निकाल के चार्ज करनी हो तो ये यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है, आप यहाँ से चार्जर इजीली रिमूव करके बैटरी घर पे लेके जाके चार्ज कर सकते हो। वाह, बहुत ही ईजी है, आप बैटरी निकाल के आप अपने घर पे ले जाके भी चार्ज कर सकते हो। अगर आप फ्लैट वगैरह पे रहते हो तो काफ़ी अच्छा है, ऑफिस वगैरह में भी अंदर ले जाके चार्ज कर सकते हो, नॉर्मल प्लग में भी चार्ज हो जाएगा, हैवी वोल्ट वाला प्लग आपको नहीं ज़रूरत रहेगा। तो बहुत ही इजी है, तो मेंटेनेंस फ्री स्कूटर है ये हमारा। तो चार कलर में अवेलेबल है ये व्हीकल, आप ये देख रहे हो, ये येल्लो कलर है, ये रेड कलर है, एक दो कलर और है हमारे पास, एक ब्लू कलर है जो कि फ़िलहाल यहाँ पे है, तो ये ब्लू कलर है, और वाइट कलर शायद बाहर टेस्ट राइड के लिए है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो बाइक काफ़ी अच्छी खूबसूरत, छोटी सी है लेकिन काफ़ी अच्छी लग रही है। तो यहाँ पीछे की बात करते हुए तो यहाँ पे आपको दो सस्पेंशन देखने को मिलेंगे, नॉर्मल सस्पेंशन है, और साथ में अगर मैं मोटर की बात करूँ तो यहाँ पे हब में मोटर पूरा दे रखा है, तो वाइट कार्बन कंपनी का खुद का अपना मोटर है जिसमें 3 साल का वारंटी आपको मिलेगा, तो ये हब ड्राइव मोटर है, और साथ में आपको पेडल असिस्ट भी दे रखा है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। फिलहाल इनकेस आपका बैटरी कहीं पर भी ख़त्म हो जाता है तो आप वेरी इजीली आप घर तक या फिर नियरेस्ट पॉइंट तक जहाँ पे आपको चार्जिंग करना है वहाँ पे आप पहुँच सकते हो। और व्हीकल का वेट उतना नहीं है कि आप पैडल लगा के जा नहीं सकते हो, व्हीकल का वेट 50-60 kg है, तो आराम से आप इन इमरजेंसी में पहुँच जाओगे, तो आपको हैंडीकैप नहीं हो जाओगे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर O3 का बेंचमार्क आपको देखने को मिलेगा, तो काफ़ी अच्छा है, ग्लोसी फिनिशिंग में सभी कलर मिलते हैं आपको, और क्वालिटी वगैरह भी काफ़ी अच्छी है। ये फ्रंट मड गार्ड, तो मैं एक्स्ट्रा एक्सेसरी की बात करूँ तो अगर आपको ये टॉप बॉक्स लेना है तो भी ले सकते हो, आपका जिस कलर का व्हीकल होगा उस तरह का आपको टॉप बॉक्स मिल जाएगा, वाइट, येलो, रेड, तो यहाँ पे सभी तरह के टॉप बॉक्स अवेलेबल है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ये ब्लू कलर का भी टॉप बॉक्स अवेलेबल है, येल्लो है, रेड तो आपने देखा ही है स्कूटी पर लगा हुआ है, और अगर आपको सीट्स पीछे का पिलियन के लिए भी सीट्स चाहिए तो सीट भी ले सकते हो, तो यहाँ से आपको एक्सेसरी वगैरह भी मिल जाएगी, तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कंफर्टेबल ही रहेगा, आपको कहीं और जगह से मॉडिफिकेशन वगैरह करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से बनवा सकते हो, ये सब कुछ चीज़ आपको एक्स्ट्रा रहेगी। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो 55,000 में आपको ये नॉन RTO व्हीकल मिल जाएगा, ये नॉर्मल रहेगा आपको 55,000 में, जिसमें यहाँ पे पीछे ऐसे कैरियर रहेगा, सीट वगैरह नहीं रहेगी, आपको जो भी ऑप्शन लगवाना वो लगवा सकते हो, आपको सीट लगवानी है तो सीट, ऐसे ही रखना है तो ऐसे भी रख सकते हो, और ये टॉप बॉक्स लेना है तो वो भी ले सकते हो, तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन दे रखा है, आपको ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। और ये साइड स्टॉप लैम्प है, तो यहाँ पर LED स्टॉप लैम्प भी है, तो काफ़ी अच्छा है। ओके, टर्न इंडिकेशन का ऑप्शन भी अंदर ही दे रखा है, और काफ़ी अच्छा खूबसूरत LED टेल लैम्प के साथ पूरा अच्छा है, तो नॉन RTO व्हीकल है। तो आप, और अगर आप मेरा ये वीडियो गुजरात से देख रहे हो तो गुजरात के स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट हो और ये व्हीकल परचेस करना चाहते हो, वाइट कार्बन का ये O3 मॉडल, तो आपको इसमें 12,000 का डिस्काउंट भी मिलेगा, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी है, ये ओनली फॉर गुजरात के स्टूडेंट के लिए ही है, फिलहाल अभी बाहर के स्टूडेंट के लिए अवेलेबल नहीं है। बाहर से आप अगर आप लेते हो व्हीकल तो आपको 55,000 में पड़ेगा ये, तो काफ़ी अच्छा खूबसूरत सा व्हीकल है ये। तो अगर मैं चार्जिंग रेंज की बात करूँ तो 75 किलोमीटर तक आप इसको सिंगल चार्ज में चला सकते हो, तो अगर फुल चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिक कंजप्शन भी बहुत ही कम है इसका, 1.5 से 2 यूनिट तक का आपको इसमें इलेक्ट्रिक कंजप्शन रहेगा, तो आप समझ लीजिए कि 7 से 8 रुपये हमारे एक पर यूनिट का चार्ज है, तो 15 रुपये में आपको 75 किलोमीटर तक का राइड मिलेगा, तो काफ़ी कंफर्टेबल राइड है और काफ़ी सस्ता भी रहेगा आपको, और 120 kg तक आप किसको, इसका लोडिंग कैपेसिटी 120 kg तक का है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है, तो स्कूटर काफ़ी अच्छा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल काफ़ी अच्छा है, और साथ में प्रीमियम भी है। आप समझ सकते हो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल तो बहुत सारी कंपनी के मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन प्रीमियम और क्वालिटी उतना कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन वाइट कार्बन में वो सब कुछ आपको मिलेगा,
प्रीमियम क्वालिटी मिलेगा और काफ़ी अच्छा है, और आपको इसमें सर्विस वगैरह भी कुछ फ्री मिलती है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। अगर मैं मोटर और बैटरी की बात करूँ तो आपको इसमें 3 साल का वारंटी रहेगा दोनों में मोटर, और अगर मैं चार्जिंग केबल्स और सब कुछ और आइटम की बात करूँ तो उसमें आपको 1 साल का वारंटी रहेगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी, काफ़ी किफ़ायती व्हीकल है। तो 55,000 में आपको ये O3 मिल जाएगा। अगर आप गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, मतलब कि आप गुजरात के स्टूडेंट हो, तो आपको इसमें और भी 12,000 का सब्सिडी मिल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी कंफर्टेबल बात है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो का आप वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका टेस्ट ड्राइव दिखाऊंगा, टॉप स्पीड दिखाऊंगा, तो कैसा कंफर्टेबल व्हीकल है कि नहीं है। तो स्टे ट्यून, वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए वीडियो का, आप सभी लोगों के सपोर्ट की बहुत जरूरत है। चलिए मिलते रहेंगे, टाटा बाय बाय सबका।